फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो ही गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल IMA के 96 राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन में दिया, जिसके बाद देर रात तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रणाम बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। बिहार में तीसरी लहर को लेकर क्या है पूरी खबर, मैं बताऊंगी आपको। और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं, ये सब तो काम किया जा रहा है, अभी तो कोई जानता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को IMA के 96 राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लड़ने में डॉक्टरों का योगदान सराहनीय रहा। अब देश और बिहार में कोरोना के तीसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। मरीजों की किस प्रकार से मदद करनी है, डॉक्टर इसकी तैयारी कर लें। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद रात होते होते कोरोना के नए वेरिएंट और नए साल को लेकर सेलिब्रेशन को लेकर सरकार ने फैसले लिए हैं। गृह विभाग की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य के सभी पार्क और उद्यान जैसे इको पार्क और जू 31 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों कार्यक्रमों में मौजूद लोगों के द्वारा मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी होगा और ये सुनिश्चित कराने का जिम्मा आयोजन या कार्यक्रम के प्रबंधक का होगा। आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना वायरस के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट को देखें तो बिहार में कोरोना वायरस के 47 केस मिले हैं। 4 दिनों की रिपोर्ट देखने पर ये पता चलता है कि बिहार में एक्टिव केसों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया है कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ बिहार तक पर।